Yes, good morning. So we will continue with exercise. Now we have to do exercise 12.1 we were discussing. So we have to continue with it. So sixth question, हमने like terms, unlike terms किए थे. So we discussed that sixth question first part. 1 and 100 are like. तो वहां लिख दो आप L. बोर्ड पे देखिए -7x 5/2x. I told you in the like term the variables are same. So here this is also, these are also the like terms. थर्ड पार्ट में है -29x अनलाइक. अगर बेटा आप लोग प्यार से नहीं सुनोगे तो फिर मैंने थप्पड़ लगा लगा के तुम्हें समझाना है. ये देखिए 14xy 42yx लाइक है क्योंकि ये एक्स वाई क्या हो रहा है मल्टीप्लाई. आप इधर देखो 1 into 2 2, इसको आप 2 into 1 भी तो लिख सकते हो. तो चाहे एक्स वाई लिखा हो चाहे वाई एक्स लिखा हो, इट इज वन एंड द सेम थिंग. सो दीज आर लाइक टर्म्स. ठीक है, फिफ्थ पार्ट इधर देखिए. यहाँ एम स्क्वेयर, एम 2 times है, पी 1 times. So thereby they are unlike. Why? Because ये यहाँ पर 2 times m है, यहाँ पर 2 times p. ठीक है, so ये unlike है. Sixth वाला भी unlike. Seventh question. I will do one part. B part I will do बच्चे. 10 PQ. See, why the students are joining me in this period? Now see this question.
in this question, what you have to do, you have to identify the like terms. Out of these following, like terms. इससे शुरू हो जाएंगे. एक मिनट पहले टेन पी क्यू आपने ब्रैकेट डालने हैं. पी क्यू की कौन सी टर्म्स है उसको अंडरलाइन करते जाना है. टेन पी क्यू, ये देखिए पी क्यू और क्यू पी एक ही बात है. माइनस सेवन क्यू पी और पी क्यू कहाँ है. यस 78 क्यू पी. बस और कोई पी क्यू वाली टर्म है तो एक ब्रैकेट में आपने ये वाली टर्म्स लिख दी. मुझे पूरा बोलने दो. कौन सी ये यहाँ पर दो है पी पी स्क्वायर है ये हो गए. उसके बाद आ जाओ सेवन पी. पी वाली और कौन सी टर्म है जहां अकेला पी है. 2405. अब 8 क्यू माइनस 100 क्यू और कोई क्यू वाली टर्म है. ब्रैकेट क्लोज. देन माइनस P square, Q square, yes, 12, Q square, P square, और तू इतना अच्छा है कि तुमके बता रहा है. तेरी बारी है. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. आई वॉन्ट डिसिप्लिन इन माई क्लास. अदरवाइज यू गो एनी वेयर डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू बट वेन यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी देन यू आर नॉट सपोज टू टॉक. पीठ पीछे जो मर्जी करो बोलते रहो जो बोलने. As if I care. हाँ जी दिखाओ. अरे हाँ कर लो कर लो. After that, minus 23, 41, 41. फिर क्या बचा? माइनस फाइव पी स्क्वायर सेवन हंड्रेड वन पी स्क्वायर. ठीक है बेटे वहां पर ये जो लगा हुआ है ना ये मार्कर है. yes. व्हाइटनर लगा के देखो यहाँ पर. अच्छा फिर क्या करें वो दिखता है ब्लैक. तो बाद में देखेंगे बंद कर दो. ठीक है बेटा ये हो गए पी स्क्वायर वाला. इसके बाद क्या बचता है हमारे पास ये 13 पी स्क्वायर क्यू एंड क्यू पी. सो सी 1 1 2 3 4 5 6 7 देयर आर 7 कैटेगरीज ऑफ लाइक टर्म्स. ये वाला क्वेश्चन इस तरह से अटेम्प्ट करना है. अगर एक ही क्वेश्चन में खूब सारे अनलाइक टर्म्स हैं, उसमें से हमने लाइक टर्म्स चूज करने हैं तो आपने ब्रैकेट डालनी है लाइक टर्म्स की. समझ आई? एक ब्रैकेट में एक तरह के लाइक टर्म्स, एक ब्रैकेट में लाइक टर्म्स, दूसरी तीसरी ब्रैकेट में लाइक टर्म्स, लाइक दिस.
नहीं बस एक वो नेम स्लिप है वो देती हूँ, नोट डाउन प्लीज। Now we have come to exercise 12.2. In first question, we have to simplify. फर्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई देखिए 21। एक मिनट बेटा अनमोल चुप कर, क्वेश्चन तो लिखने दो, पेन आगे करो तो। नाउ सी वी हैव टू सिंप्लीफाई इट। व्हाट इन सिंप्लीफिकेशन वी हैव टू डू, वी हैव टू कंबाइन द लाइक टर्म्स एंड देन वी हैव टू ऐड इट। जैसे यहाँ पर प्लस माइनस आ गया है, इधर देखिए आप, व्हाट वी हैव टू डू, देयर आर टू वे, लेट मी एक्सप्लेन टू ऑल द स्टूडेंट्स। नाउ हियर वी कैन सी बी वाली टर्म है, ये 7b, ये 20 माइनस 20b और ये माइनस 32 इज विदाउट बी। तो चाहे आप अपने माइंड में कैलकुलेशंस कर लो, 21b प्लस 7b 28, 28 माइनस 20 इज 1b, ठीक है। या फिर बेटा हम ऐसे 20b प्लस 7b माइनस 20b, मतलब जो लाइक टर्म्स हैं उनको ऐसे इकट्ठे लिख लिया अलोंग विद देयर साइन और माइनस 32 को लास्ट में। 21 प्लस 7 28b माइनस 20b माइनस 32, 28b माइनस 20 इज 8b। नाउ यू कैन सी 8 फोर का 32, 8 कॉमन ले लो, पीछे आंसर देखा तुमने, प्लीज सी क्या आंसर है, कॉमन लिया है कि छोड़ दिया है। मेरे हिसाब से यही है, ठीक है। नाउ यू कैन सी 8 इज बी एंड माइ 32 आर अनलाइक टर्म्स, तो वहां पर आपने छोड़ देना, दैट इज योर आंसर। ये वाला, ये दोनों प्लस के हैं, 21 एप्पल्स प्लस 7 एप्पल्स, इसी तरह से 21b प्लस 7b 28b, 28b माइनस 20b, b भी ऐसे ही वेरिएबल ऐसे ही रहता है, नंबर में से नंबर माइनस होता है, ठीक है। डन, सेकंड पार्ट देखिए, माइनस जेड स्क्वायर प्लस 13z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 7z क्यूब माइनस 15z। नाउ सी बेटा, अब हमने, अब ये देखो जेड स्क्वायर वाली टर्म्स इकट्ठी हैं, बोर्ड पे देखिए प्लीज, यहां पर क्या है 13z स्क्वायर, यहाँ क्या है माइनस, माइनस मतलब माइनस, आपने इंटीजर्स किए हुए हैं, माइनस 1 प्लस 13 क्या होता है, यस ओनली 12, 13 माइनस 1 12, पॉजिटिव 12 बिकॉज 13 इज ग्रेटर और उसके साथ प्लस का साइन है तो प्लस 12, राइट। अब यहाँ पर क्या है, अब इसके साथ वेरिएबल है, वेरिएबल वैसे ही चलता जाता है, 13z स्क्वायर में से 1z स्क्वायर को माइनस z को माइनस करोगे यू विल गेट 12z स्क्वायर,
ये सबको समझ आया है? अगर किसी को कुछ नहीं समझ आता तो आपने पूछना है। अब ये देखो, अब इसको इकट्ठे लिखने के बजाय हम माइंड में कर सकते हैं 5z and 15 minus 15। ये देखो क्या है हमारे पास, -5z and -15z, दोनों बेटा नेगेटिव हैं। हाँ जी ठीक है, -20 क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं, दोनों एक ही फैमिली के हैं, नेगेटिव फैमिली के। जब एक ही फैमिली के ऐड हो जाएंगे तो फैमिली तो एक ही रहेगी, दैट इज, अरे उठा पवन गंदा हो गया, -20z + 7z³ is the answer. Now all the terms are unlike terms, so this is our answer. Kindly note down. कैसे करेंगे पहले करेंगे इस ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, इसका मतलब कि जो ब्रैकेट में टर्म्स हैं दोनों के साइन क्या होंगे, चेंज। पी माइनस पी माइनस माइनस
Yes. हेलो also we are on simplification only इधर देखो समझो मैं भी दो सम करवाती बाकी होमवर्क दे देती बराबर बन जाते but I don't want to just complete the things like anything कि समझ कुछ ना आए 3a minus a क्या आएगा 3a minus a क्या आएगा सिर्फ इतना बताओ थ्री ए माइनस ए तो ए कहाँ गया तीन एप्पल्स में से एक एप्पल आपने माइनस कर दिया तो कितने बचे बेटा ये वेरिएबल को आप वेरिएबल जो वेरिएबल मींस जो अल्फाबेट्स है बैठ जाओ उसको आप खत्म नहीं कर सकते 3a माइनस a 2a
3a minus 2a, 2a, 2a minus a is 1. और मैं एक स्टेप बढ़ा देती हूँ. 3a minus a, 2a, 2a minus a, 2a minus a is 2a minus a is 1. ने लिखो चाहे a लिखो. आगे देखिए, आगे देखो. b plus b, b plus b, 2b, plus 2b, minus a b, minus a b, minus. अब आगे देखो, 2a minus a, समझो, minus 2b plus 2b will get कैंसिल, क्योंकि एक 2b पॉजिटिव है. बानी आगे आ जाओ, एक 2b पॉजिटिव है, एक 2b नेगेटिव है. आगे आ जाओ, आगे यहाँ बैठ जाओ. कट गया, बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, सृष्टि के साथ बैठ जाओ. देन माइनस 2ab प्लस 3ab, 3ab में से 2ab माइनस हो गए, कितने बचे, प्लस 1ab. 1 चाहे लिखो चाहे ना लिखो, 1a या a एक ही बात है, 1ab या ab एक ही बात है. आंसर फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट होमवर्क. अब बैठ जाओ चुप, क्या पीरियड ओवर हो गया. सिक्स्थ पार्ट में देखिए सारे बच्चे बुक में, सेकंड वाली ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है. बुक में देखो कशेश, सेकंड वाली ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, तो सारी टर्म जो बाद में ब्रैकेट है उसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज. फिर लाइक टर्म्स को इकट्ठे करना. सो फिफ्थ पार्ट एंड सिक्स्थ पार्ट आर योर होमवर्क. ऑन मंडे यू आर हैविंग योर टेस्ट फ्रॉम द चैप्टर 3 डेटा हैंडलिंग. हां जी, दो ही है बस. ग्राफ भी आएंगे और ग्राफ लेकर आने हैं तुमने. हां जी, पूरा चैप्टर. ऑल राइट स्टूडेंट्स, सी यू ऑन मंडे, टेक केयर बेटा.